लिगामेंटम फ्लेवम करेगा और अगर जॉइंट चला गया, जॉइंट भी डैमेज हो गया, फिर इनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि अगर एक बार जॉइंट बचा है तब भी आप स्टेबल कहलोगे, क्योंकि जॉइंट ही आपको पूरा वर्टिकल कॉलम इंजरी में जॉइंट का फंक्शन बताए, जो मोबिलिटी वगैरह करवाना सब कुछ जॉइंट ही देखता है, और अगर जॉइंट भी डैमेज हो गया तो बहुत ज्यादा इनस्टेबिलिटी अगर हो जाएगी, ये जॉइंट की हाइपरट्रॉफी हो जाती है। हाइपरट्रॉफी वर्ड का मतलब क्या होता है, बहुत बार सुनोगे, हाइपर मींस बढ़ जाना, ट्रॉफी मतलब डीजनरेशन एंड एबनॉर्मल एनलार्जमेंट ऑफ जॉइंट। जब भी हाइपरट्रॉफी वर्ड आए मतलब क्या बोलना है, डीजनरेशन एंड एबनॉर्मल एनलार्जमेंट, कुछ फालतू का ही बड़ा हो रहा है, बड़ा होएगा अगर वहां पे स्पाइनल कॉर्ड में जगह तो है नहीं, कोई भी चीज बड़ी होगी तो वो स्पाइनल कैनाल की तरफ जाने की कोशिश करेगी और वो स्पाइनल कॉर्ड को दबाएगी, ठीक है। तो डीजनरेशन एंड एबनॉर्मल एनलार्जमेंट ऑफ जॉइंट, तो यहां पर तीन चीजें बिल्कुल मार्किंग करके लिख के आनी है। फर्स्ट, जो स्पाइनल कैनाल को दबा रहा है, डेट इज ऑस्टियोफाइट्स। दूसरा, बोले हमारी डिस्क दबा रही है। तीसरा, हमारा लिगामेंटम फ्लेवम दबा रहा है, ठीक है। ये तीन रीजन हमारी स्पाइनल कैनाल को नैरो करते हैं, क्योंकि स्पाइनल कैनाल जा रही है, उसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड निकल रही है। अब कुछ भी अगर हुआ और ये स्पाइनल कैनाल थोड़ी सी भी आपने छोटी कर दी तो वो स्पाइनल कॉर्ड को दबाएगा, ठीक है। कैसे दबाएगा, उससे क्या होगा, वो सब हम देखेंगे आगे। अभी तक हमारा सिर्फ था बेसिक। अब दो वर्ड आप आगे पढ़ेंगे, डेट इज माइलोपैथी एंड रेडिक्रोपैथी। बोले ये सर इसका मतलब फिर क्या है, ये बहुत प्यारे वर्ड है। बोले क्या, बोले ये आपकी, देखो ये रही है आपकी स्पाइनल कैनाल, स्पाइनल कैनाल के अंदर से निकलता है स्पाइनल कॉर्ड। अब क्या हर बार ऐसा ही होगा कि पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड अगर दबती है, पूरी डिस्क अगर पूरी स्पाइनल कॉर्ड को दबा दे, यानी एक बार में पूरी स्पाइनल कॉर्ड अगर दबती है एक एरिया पर अगर पूरी स्पाइनल कॉर्ड दबती है तो आप उसको बोलते हो माइलोपैथी, माइलोपैथी। और अगर पूरी स्पाइनल कॉर्ड ना दबके एक छोटा मोटा प्रोजेक्शन है, भैया छोटी सी डिस्क बाहर निकल गया, छोटे मोटे ऑस्टियोफाइट्स आ गए, सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड का कोई छोटा सा, जैसे स्पाइनल कॉर्ड ये है ना, स्पाइनल कॉर्ड इसका कोई छोटा सा प्रोजेक्शन दब रहा हो, यानी क्या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या ट्रेवल कर रही है, सर नर्व ट्रेवल कर रही है। अगर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सिर्फ कुछ नर्व दबे तो, सिर्फ कुछ नर्व रूट्स ही दबे तो फिर आप उसको बोलोगे रेडिक्लोपैथी। अगर पूरी स्पाइनल कॉर्ड दब रही है तो आप बोलते हो माइलोपैथी। और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कुछ सिर्फ कुछ नर्व दब रही हैं, कुछ एक दो नर्व ही क्या हो रही है, डैमेज हो रही है, डैमेज या फिर वो इम्पिज हो रही है, तो उसको आप वर्ड यूज करते हो रेडिक्लोपैथी। ये ध्यान रखना है, कंप्रेस द स्पाइनल कॉर्ड का माइलोपैथी। तो हमारा क्या कि डिस्क अगर प्रोट्रूजन में कंप्रेस द स्पाइनल कॉर्ड माइलोपैथी, और सिर्फ अगर एक स्ट्रक्चर दब, सॉरी सिर्फ अगर एक एडजेंसेंट नर्व रूट दबती है उसको लो आप बोलते हो रेडिक्लोपैथी, ठीक है। रिजल्टेंट डैमेज टू द स्पाइनल कॉर्ड मे अराइज फ्रॉम डायरेक्ट प्रेशर। देखो आप समझ सकते हो, पूरी स्पाइनल कॉर्ड दबाने के लिए आपको कोई डायरेक्ट प्रेशर चाहिए ना, ऐसा तो है नहीं। तो रिजल्टेंट डैमेज टू स्पाइनल कॉर्ड मे अराइज फ्रॉम डायरेक्ट प्रेशर और मे फॉलो वैस्कुलर इंपेयरमेंट। वैस्कुलर इंपेयरमेंट क्या, जो आसपास की वेसल्स है जो पर्टिकुलर उस स्ट्रक्चर्स को सप्लाई कर रही है वो वेसल्स डिस्टर्ब हो जाए। हम ये पढ़ के आ चुके हैं वर्टिब्रल कॉलम इंजरी में कि उसके आसपास की जो वेसल्स होती है वो अगर पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को सप्लाई कर रही है, अगर वो भी इम्पेयर हो गई तो पर्टिकुलर उन नव को क्या, ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी उन नव को, तो फिर वो नव बचेंगी कैसे, तो ये रीजन भी हो सकता है। और सबसे बड़ी चीज, इसका ऑनसेट बहुत ग्रेजुअली होता है, धीरे धीरे करके बढ़ता है, क्योंकि कोई की चीज एकदम सडन नहीं दबाती, पहले थोड़ा दबाई, अगर आपने ठीक नहीं करी ये चीजें तो ये चीजें कंटिन्यूस बढ़ती चली जाती हैं। दो वर्ड सुने, माइलोपैथी एंड रेडिक्लोपैथी। रेडिक्लोपैथी में हम एक चीज पढ़ के आ चुके क्लियर, देखो मोस्ट कॉमन रेडिक्लोपैथी ही होता है, माइलोपैथी ऐसा नहीं होता कि एक बार में पूरी स्पाइनल कॉर्ड दब जाए, वो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन होती है। मोस्ट कॉमनली आपको देखने को मिलता है रेडिक्लोपैथी, यानी पर्टिकुलर अगर कोई एक नर्व दब रही है तो उसी के सिम्टम मिलेंगे। अब आपको दो वर्ड यहाँ पर याद होने चाहिए, वैसे आप ये पूरा डीप में पढ़ोगे पीडीपी में, इसमें मैं बहुत सारी ऐसी चीजें बोलूंगा कि ये आप इसमें पढ़ोगे आप उसमें पढ़ोगे, मैं आइडिया, क्योंकि इस चैप्टर में जो मैं अभी एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ वो कुछ भी नहीं लिखा है, वो सिर्फ मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूँ कि एक आइडिया बना रहे, ताकि ये सब डीप में है और डीप में दूसरे सब्जेक्ट में, यहाँ उसको डीप में इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यहाँ डीप में पढ़ा दूंगा तो फिर ये सब कब पढ़ेंगे, ये सब दिमाग से आउट हो जाएगा, इसे हम अभी न्यूरो सर्जरी के नजर से इसे पढ़ रहे हैं। दो वर्ड होता है, एक वर्ड होता है आपका मायोटोम और एक वर्ड होता है आपका डर्मेटोम, मायोटोम डर्मेटोम। एक नर्व आपकी दो को सप्लाई करती है, सेंसरी और मोटर,
हाँ के ना, सेंसरी सप्लाई करती है मोटर, सेंसरी यानी आपका पेन, नब, नैस, टिंगलिंग सब कुछ, यानी पर्टिकुलर एक नब दो चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है, वो किसी एक पार्ट को सेंसरी सप्लाई करती है प्लस एक पार्ट प्लस वो ही नब एक पार्ट को मोटर सप्लाई करती है, यानी क्या मोटर फंक्शन जो आप हाथ पर उठा रहे हो और आपको अगर कुछ फील हो रहा है तो वो सेंसरी है। तो अगर मैं बोलूं कि एक C4 नब है, ठीक है, मैं यहाँ C5 बोल दूं, तो C5 की सेंसरी सप्लाई कहाँ होती है, बोले C5 की जो सेंसरी सप्लाई होती है वो आपके आर्म एरिया में होती है, सेंसरी लॉस है, ठीक है, ठीक है। अब वो उसका आपको देखो सब नव का पीडीपी में याद करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर किस नव की सेंसरी सप्लाई कहाँ पर है, यानी उसका डर्मेटोम क्या है, डर्मेटोम मतलब डर्मिस, डर्मिस माने स्किन, तो इससे याद रखो जो भी सेंसेशन होता है वो स्किन पे ही तो होता है और कहाँ होता है, तो आपको हर नर्व का C1 का C1 से लेके पूरे S5 तक सारी नर्व का आपको डर्मेटोम और मायोटोम याद करना पड़ेगा पीडीपी में, कि अगर C5 का सेंसेशन एरिया क्या है प्लस मायोटोम, मायोटोम यानी वो किस मसल को सप्लाई करती है, तो इससे आपको पता क्या चलेगा सर, इससे ये पता चलेगा कि अगर पर्टिकुलर में पेशेंट, हमने पेशेंट को देखा, अच्छा इस एरिया पे आप टच करोगे, अच्छा इस एरिया पे इसको सेंसेशन फील नहीं हो रहा, तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा अच्छा ये वाला एरिया इस वाली नर्व से सप्लाई लेता है, यानी अब बिना MRI से या बता दोगे कि पर्टिकुलर MRI में तो सिर्फ ये दिखेगा नर्व दब रही है, मगर आप सिम्टम देख के बता दोगे अच्छा ठीक है इस वाले एरिया पे सेंसेस नहीं आ रहा है, यानी ये वाला एरिया पर्टिकुलर उस नर्व से सप्लाई करता था तो वो वाली नर्व चली गई। अच्छा आप फ्लेक्शन नहीं कर पा रहे, तो फ्लेक्शन ये वाली नर्व कराती थी, यानी आपकी ये वाली नर्व दब गई। तो डर्मेटोम और मायोटोम यहाँ बहुत ज्यादा काम आते हैं, और पीडीपी में आप एक एक नर्व का डर्मेटोम और मायोटोम याद करना पड़ेगा, तभी आप बता पाएंगे, क्योंकि आपको क्या पता नर्व दब रही है, लेकिन आपको कैसे पता कौन सी दब रही है, वो आपको डर्मेटोम और मायोटोम से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो पेन क्या है, रेडिकुलोपैथी, अभी मैंने आपको इतना समझाया, पेन अ शार्प स्टेब इन द बोन, ये तो होता ही है, आपने भी देखा होगा PIBD के अगर इन लोग के पेशेंट है तो कितना होता है शार्प स्टेबिंग पेन होता है, स्टेबिंग मतलब एकदम सडन शार्प शूटिंग पेन, वॉर्स ऑन कफिंग, कफिंग ऐसा खांसने छींकने पे भड़ के हो जाता है सर, इसलिए भड़ जाता है क्योंकि ये कैनाल है और कैनाल से स्पाइनल कॉर्ड निकल रही है, वैसे ही कुछ स्ट्रक्चर इसको दबा रहा है, और आप जैसे ही खांसते हो तो एरिया और शॉर्ट हो जाता है चीजें और ज्यादा उसको दबाने लग जाती है, तो जब भी आप खांसते हो हंसते हो तो पेशेंट आपको कंप्लेंट करेगा कि खांसते हंसते टाइम बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाता है, तो आप बोल दोगे अच्छा इसकी कहीं ना कहीं स्पाइनल कॉर्ड या कोई नर्व इसकी दब रही है, ठीक है। मे बी सुपर इम्पोज्ड ऑन अ मोर कॉन्स्टेंट डीप एक रेडिएटिंग ओवर द शोल्डर एंड डाउन द आर्म, अभी हम सर्वाइकल के लिए पढ़ रहे हैं, लंबर के लिए नहीं पढ़ रहे, तो जो भी यह बातें होंगी वो किसके लिए होंगी, सर्वाइकल रीजन के लिए। तो ये सबसे ज्यादा आपको कब दिखेगा और सबसे ज्यादा आपको पेन है वो ये पेन आपको रेडिएटिंग पेन दिखेगा, यानी होगा नेक से स्टार्ट, नेक के एरिया से पेन स्टार्ट होगा क्योंकि दब आ रही है और पर्टिकुलर पूरा हैंड तक चल के आया करेगा उतर के, जैसे आपके पैरों में होता है, लोग बोलते हैं कि बटक में पैर हो, बटक से स्टार्ट होता है, जॉइंट से पूरा फुट तक जाता है, तो आप बोलते हो अच्छा ये नर्व का पेन है, क्यों, क्योंकि ये पूरा रेडिएट कर रहा है, क्यों भैया पूरा नीचे उतर के जाता है, क्योंकि पर्टिकुलर उस एरिया की नर्व उधर दब रही है, तभी उस एरिया पे आपको पेन देखने को मिलेगा। पेरिस्थेशिया, पेरिस्थेशिया का मतलब होता है नंबनेस और टिंगलिंग फॉलोसेशन आर नर्व रूट डिस्ट्रीब्यूशन, सीधी सी बात है, जो जो वाली नर्व दब रही है उसका जो नर्व रूट होगा वो जिधर सप्लाई कर रही है उस जगह पे आपको नंबनेस और टिंगलिंग सेंसेशन देखने को मिलेंगे। रूट साइंस का मतलब यही होता है कि पर्टिकुलर अगर C5 नर्व है तो C5 की रूट वैल्यू क्या है, यानी वो किधर किस स्किन के पार्ट, यानी किस डर्मेटोम और किस मायोटोम को सप्लाई कर रही है, वो जिस डर्मेटोम को सप्लाई करेगी यानी आपके स्किन के जिस पार्ट को सप्लाई करेगी वहां पर आपको सेंसरी लॉस मिलेंगे, और जिस मायोटोम यानी जिस मसल को सप्लाई कर रही होगी वो उसके फंक्शन चले जाएंगे, तो आपको वहां पर पर्टिकुलर मसल वीकनेस मिलेगी या वास्टिंग देखने को मिलेगी, और पर्टिकुलर मसल जो काम करती है वो काम आपको नहीं देखने को मिलेंगे, और पर्टिकुलर अगर वो किसी मसल, अगर वो वाली रिस्पेक्टिव मसल किसी जर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे बाइसेप, बाइसेप जर्क कौन सी मसल कराती है, बाइसेप, अगर बाइसेप का मायोटोम डिस्टर्ब है, वो नर्व है जो बाइसेप पर सप्लाई नहीं कर रही, तो आपका बाइसेप जर्क नहीं मिलेगा। ट्राइसेप जर्क पर, ट्राइसेप जर्क कब नहीं मिलेगा कि ट्राइसेप जर्क ट्राइसेप मसल पे सप्लाई नहीं हो रही। नी जर्क कब नहीं मिलेगा, जब क्वाड्रिसेप्स पे सप्लाई नहीं होगी, तो पर्टिकुलर वो ही जर्क जाएंगे, पर वो जर्क कब जाएगा जब उसकी मसल पे सप्लाई नहीं होगी। तो मसल वीकनेस मिलेगी। देखो दो चीजें और पीडीपी में पढ़ोगे आगे चल के, LMN और UNM, ये क्या होता है,
इसमें अभी एक चीज याद कर लो, बाद में डीप में पीडीपी में बहुत अच्छे से समझोगे एलएमएन और यूएमएन। एलएमएन का मतलब होता है लोअर मोटर न्यूरॉन और का होता है यूएमएन का होता है अपर मोटर न्यूरॉन। लोअर मोटर न्यूरॉन मतलब क्या कि देखो लोअर मोटर न्यूरॉन का मतलब होता है फ्लैसिडिटी। जब भी लोग देखो दो रीजन होते हैं, ये आपका ब्रेन है ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है। जब न्यूरॉन जो न्यूरॉन स्पाइन ब्रेन ब्रेन के होते हैं उन्हें बोलते हैं अपर मोटर न्यूरॉन, और जो न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड के होते हैं उन्हें बोलते हैं लोअर मोटर न्यूरॉन। जब भी स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन अगर डैमेज होंगे, जब भी स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन अगर डैमेज होंगे तो आपको देखने को मिलेगी पर्टिकुलर उस एरिया में क्या फ्लैसिडिटी। बोले इसका मतलब क्या सर कि मैं अगर बोलूं कि अगर स्पाइनल कॉर्ड के पर्टिकुलर कोई भी एक एरिया के लोअर मोटर न्यूरॉन गए, वो पर्टिकुलर जिस मसल को सप्लाई करती थी उस मसल में आपको फ्लैसिडिटी देखने को मिल जाएगी। फ्लैसिडिटी मतलब बोले हाइपोटोनिया, मसल्स क्या हो जाएंगी, मसल की टोन चली जाएगी। और अगर किसी रीजन पर अगर आपको स्पास्टिसिटी दिख रही है तो मतलब क्या कि उस रीजन के अपर मोटर न्यूरॉन चले गए हैं। ठीक है, इसको डीप में बहुत अच्छे से पढ़ोगे कि अपर मोटर न्यूरॉन लोअर मोटर न्यूरॉन कैसे क्या चलते हैं, वो सब पीडीपी में पढ़ोगे। मगर अभी ये जरूर याद रखना है कि अपर मोटर न्यूरॉन अगर जब भी जाएंगे तो पेशेंट में क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट में देखने को मिलेगा आपको स्पास्टिसिटी। क्या स्पास्टिसिटी यानी हाइपरटोनिया। और लोअर मोटर न्यूरॉन जाएंगे तो देखने को मिलेगी फ्लैसिडिटी यानी हाइपोटोनिया। ये दो चीजें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो क्या सेंसरी लॉस इन द एप्रोप्रिएट डर्मेटोम डिस्ट्रीब्यूशन, मसल वीकनेस, और वीकनेस आ गई लोअर मोटर न्यूरॉन। क्या देखो वीकनेस मतलब क्या फ्लैसिडिटी एंड वास्टिंग इन किसमें पर्टिकुलर अप्रोक्स, उसी पर्टिकुलर अप्रोक्स रीजन में। जैसे बहुत प्यारा इन्होंने एग्जांपल दिया है कि अगर C5 C6 रीजन की नर्व चली गई तो आपका क्या होगा बाइसेप डेल्टॉइड ये एरिया की क्या मसल पावर चली जाएगी। अगर C5 C6 नर्व चली गई, C7 नर्व चली गई तो ट्राइसेप की पावर चली जाएगी। अब क्या होगा भैया बाइसेप की पावर चली गई तो बाइसेप जर्क चला जाएगा, तो आप बोल सकते हो C5 C6 चला गया तो बाइसेप जर्क देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि बाइसेप चला गई। सी अब आपसे पूछे ट्राइसेप जब कब जाएगा, बोले C7 चला जाए तो ट्राइसेप जब चला जाएगा, क्यों, क्योंकि C7 चली गई तो वो ट्राइसेप मसल को सप्लाई करती थी। अब ट्राइसेप मसल को सप्लाई नहीं करेगी तो मसल फ्लैसिडिटी में चली जाएगी, मसल फ्लैसिड हो गई तो फिर वो जर्क कैसे दिखाएगी, नहीं दिखा पाएगी। प्लस ट्रॉफिक चेंजेस देखने को मिलते हैं। ट्रॉफिक मतलब क्या, देखो ट्रॉफिक चेंजेस इसलिए मिलते हैं क्योंकि मसल हो गई वास्टिंग में। अब मसल अगर कोई काम नहीं करेगी तो पर्टिकुलर उस एरिया पे मूवमेंट नहीं होगा, उस एरिया पे मूवमेंट नहीं होगा तो उस एरिया पर आपको क्या एक लंबे समय बाद स्किन बिकम ड्राई हो जाएगी, क्यों आप मूवमेंट करोगे तभी तो वहां पर काम होगा, स्केली हो जाएगी, इन इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी, प्लस ब्लूइश एंड कोल्ड रीजन की हो जाएगी, क्यों, क्योंकि वहां पर प्रॉपर सप्लाई बंद हो जाएगी उस एरिया पर। इसलिए ये सब भी आपको, लेकिन ये सब देखते हैं लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में नहीं। शॉर्ट टर्म में तो सिर्फ आपको पेन और ये सब देखने को मिलेगा। वो था आपका रेडिकुलोपैथी के लिए, जब पर्टिकुलर कोई एक नर्व दबे और अगर पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड दब जाए तो ये आपको एक फंडा इसमें याद करना पड़ेगा, बहुत प्यारा है। क्या मैं आपसे बोलूं कि पर्टिकुलर जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड दब रही है वो C5 रीजन पे दब रही है तो इसका मतलब क्या, बोले ऊपर है C1 से लेके C5 तक और नीचे अगर C7 पकड़े तो नीचे है C6 C7 ऊपर C1 टू C2 C3 C4 और C5 के रीजन पे मैंने बोला दब रही है। तो बोले जब भी अगर पूरी स्पाइनल कॉर्ड दबती है और अगर पर्टिकुलर आपसे बोला कि C5 रीजन के पे स्पाइनल कॉर्ड दबी तो उसका मतलब है कि उससे ऊपर की जितनी भी नर्व है उन सब पे आपको एलिमेंट साइंस देखने को मिलता है, एलिमेंट साइंस। और जितने भी नीचे की नर्व है उन सब में आपको यूएमएन साइन देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है, बोले जब भी पूरी स्पाइनल कॉर्ड दबेगी तो जो C1 नर्व जिस पार्ट को सप्लाई करती है, C2 C3 C4 जिसको भी सप्लाई करती है, उन सब रीजन पर आपको फ्लैसिडिटी देखने को मिलेगी। प्लस और जिधर C6 और C7 करती हैं उधर आपको स्पास्टिसिटी देखने को मिलेगी। है अजीब चीज कि सर ये कैसे, ये पूरा का पूरा सिंपैथेटिक पैरासिंपैथेटिक अपर मोटर लोअर मोटर न्यूरल पीडीपी में जब कंप्लीट डीप में पढ़ोगे, पूरे दो तीन चैप्टर है इसके, तब ये पर्टिकुलर आपको चीज समझ आएगी कि सर ऐसा क्यों होता है। वो इसलिए बहुत डीप है कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो नर्व निकलती है उनके अरेंजमेंट पर डिपेंड रहता है, उनके अरेंजमेंट इस ऑर्डर में होता है कि इस पर डिपेंड करता है कि अगर स्पाइनल कॉर्ड अगर इस एरिया पर दब रही है तो उसके ऊपर वाले में अपर मोटर न्यूरॉन क्यों दिख रहा है, लोअर मोटर न्यूरॉन सिम्टम्स क्यों दिखने हैं और नीचे वाले पे अपर मोटर क्यों दिखने हैं, ये नर्व के अरेंजमेंट पे डिपेंड होता है। और ये जब आप उस चैप्टर पूरा कंप्लीटली पढ़ोगे, दो तीन लेक्चर का एक इकलौता चैप्टर है वो,
तब आप उसको बहुत अच्छे से समझ पाओगे। यहां अभी सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक है। तो लोअर मोटर साइंस एंड सिम्टम एज अबव एट द लेवल ऑफ द लीजन, क्या मैंने बोला एट द अबव, यानी मैं सिंपल बोल दूं कि C5 लीजन हुआ है। C5 किसके लिए रहता है, डेल्ट और बाइसेप को सप्लाई करता है, यानी C5 के ऊपर जितने भी C1, C2, C3 हैं, उन सब पे आपको LMN साइन देखने को मिलेंगे, यानी फ्लैसिडिटी देखने को मिलेगी। और जो भी C5 के नीचे वाले हैं उन सब पे आपको UMN साइन देखने को मिलेंगे, यानी स्पार्सिटी देखने को मिलती है। और C5 लीजन किसके किसको सप्लाई करता है, डेल्ट और बाइसेप को, तो यानी पर्टिकुलर आपको बाइसेप रिफ्लेक्स नहीं मिलेगा। अभी बताने की जरूरत नहीं है, अगर बाइसेप मसल को सप्लाई करती है तो बाइसेप रिफ्लेक्स नहीं मिलेगा। फिंगर रिफ्लेक्स क्या बहुत एग्रीवेट हो जाएगा, फिंगर रिफ्लेक्स एग्रीवेट क्यों हो जाएगा, ये सब इससे ही है, क्योंकि अब क्योंकि ध्यान रखो C4 के नीचे आता है C6 और C7, आता है कि नहीं। और मैंने कहा क्या कहा, C6 C7 रीजन पे आपको देखने को मिलेगा UMN। UMN का मतलब क्या है, स्पास्टिसिटी देखने को मिलेगी। और जब भी याद रखो जिस रीजन पर मसल की स्पास्टिसिटी हो जाती है वहां पर रिफ्लेक्स एकदम खतरनाक देखने को मिलता है, बहुत खतरनाक रिफ्लेक्स। तो C6 C7 रीजन फिंगर को सप्लाई करते हैं, इसलिए उस एरिया पर आपका रिफ्लेक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। बाकी आई नो कुछ चीजें थोड़ी बहुत अगर ऊपर से भी जा रही हैं तो वो चीजें और जब क्लियर होंगी जब आप ऑर्थो में भी ये पूरा चैप्टर डीप में पढ़ेंगे प्लस PDP में भी पढ़ेंगे। अभी सिर्फ न्यूरो सर्जरी के रिस्पेक्ट में कुछ चीजें याद करने वाली मुझे समझ रहा आपको लग रही होंगी, लेकिन जब इसको PDP और ऑर्थो में भी कंप्लीट आप देखेंगे तब आपको ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा कि अच्छा यहाँ पर इन लाइनों का ये प्रॉपर मतलब था। क्योंकि मैं अगर अभी भी करने बैठूंगा तो कम से कम 10 लेक्चर्स ओवरऑल जाएंगे जब आप इनको कंप्लीट समझेंगे। तो अभी हम इसको न्यूरो सर्जरी के रिस्पेक्टिव से चैप्टर को देख रहे हैं। C4C लीजन प्रोड्यूस सिंड्रोम ऑफ नम क्लम्सी। अब ये क्यों बोल रहा है, C4 नम क्लम्सी यानी क्या, मसल टोन गिरना। तो मैंने अभी बोला था C5 के ऊपर वालों में क्या होगा, बोले C5 के ऊपर वालों में सर साइन देखने को मिल रहे थे LMN मतलब फ्लैसिडिटी, और यानी सबके क्या लंबी क्लम्सी कब क्या मसल्स कैसी हो गई, वीक हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए उनके रीजन पे बोलता है, वही चीज लिखी है जो मैंने आपको समझाई, वही लैंग्वेज में लिखी है। यही सेम रीजन आपको लेग्स वाले में मिलेगा, अगर यही सेम हाथों में और यही सेम रीजन आपको लेग वाले में मिलेगा, यानी क्या पर्टिकुलर जो रीजन जा रहा है उसके ऊपर वाले में टोन चली जाएगी और नीचे वाले में टोन बढ़ जाएगी। यानी UMN साइन एंड सिम्टम दैट इज डिफरेंट इन वॉकिंग ड्यू टू स्टिफनेस पैरामेडिकल डिस्ट्रीब्यूशन वीकनेस इंक्रीज टोन क्लोनस एंड एक्सटेंशन प्लांटर रिस्पॉन्सेज। अगर ये देखो एक सबसे बड़ा होता है कि जब भी लेग्स में अगर आपके कोई भी अगर नर्व दबती है, कोई भी स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होती है, तो सबसे पहले आपको एक बहुत अच्छा साइन देखने को मिलता है बेबेल्स की रिफ्लेक्स, यानी आपके जो क्या है वैसे अगर आपके सोल पर देखो इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या होता है, ये आपका सोल है, ये आपका सोल है, ठीक है, ये आपका एंकल जॉइंट है, ये आपका सोल है, ठीक है। आप अपने सोल फील करिए, अगर मैं सोल पे ऐसे टच करूंगा पैन से लेटरल टू मीडियल जब भी टच करूंगा, अगर आप नॉर्मल हो ना तो आपका सोल आप ऐसे पीछे ले जाओगे, पीछे की तरफ प्लांटर फ्लेक्शन क्या डॉर्सी फ्लेक्शन करोगे। अगर आप अपने खुद करके देख लो, आप अपने सोल फुट के सोल में जाओ टच करो, आपका फुट ऑटोमेटिक पीछे की तरफ जाएगा, डॉर्सी फ्लेक्शन करेगा पीछे की तरफ। मगर जिन लोगों में स्पाइनल कॉर्ड दब जाती है वो पीछे की तरफ नहीं करते, उनका आगे की तरफ होता है, वो उल्टा करते हैं, क्यों, तब आप उससे समझ जाते हो अच्छा इनकी स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गई। ये बहुत बड़ा साइन होता है बेबेंस की रिफ्लेक्स, और ये सारे रिफ्लेक्स भी अगेन आप PDP में पढ़ोगे, ठीक है। तो क्या लिखा था, UMN साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं डिफरेंट इन, अगर और हम पढ़ चुके हैं UMN साइन का मतलब क्या होता था, स्पास्टिसिटी, अगर मसल स्पास्टिक हो जाएंगी तो आप वॉकिंग नहीं कर पाओगे, स्टिफनेस आ जाएगी, है ना टोन बहुत बढ़ जाएगी, स्टिफनेस तो टोन बढ़ने का मतलब ही तो वही है स्पास्टिसिटी, और क्या, ठीक है। प्लांटर रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, स्पिंक्टर डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है, स्पिंक्टर डिस्टर्बेंस यानी बोवल एंड ब्लैडर डिसफंक्शन को भी आगे अच्छे से हम पढ़ेंगे। सम अदर फीचर क्या, हेडेक, स्टिफनेस इन नेक, ट्रेवल कीपिंग बैलेंस, है ना, बैलेंस करने में प्रॉब्लम होगी, ग्राइंडिंग फीलिंग व्हेन मूविंग नेक, ग्राइंडिंग फीलिंग का मतलब होता है नेक क्रिपिटस, क्रिपिटस का मतलब होता है कि आपको एबनॉर्मल साउंड सुनाई देंगे, जैसे आपके अंदर नेक में कोई चीज रगड़ रही हो, क्यों, ऑस्टियोफाइट्स बन जाते हैं तो वो एक दूसरे में रब करते हैं, तो आप कह सकते हैं ग्राइंडिंग मींस क्या, कोई ग्राइंड, कोई ऐसी चीजें रगड़ रही हो, आपको अजीब सी आप ही को फील होगा, दूसरों को फील नहीं होगा, आपको लगेगा कि आपकी कोई चीज आपस में एक दूसरे से रब कर रही है, क्योंकि जगह नहीं है। अब स्पाइनल कैनाल में अगर वो फंस जाएंगी तो जब भी आप मूव करोगे तो वो एक दूसरे से क्या रगड़ेंगी,
अब सारा का सारा एक्सरे में आपको वर्टिबल इंजरी वाले में सारे एक्सरे आपको बता चुका था, सजाइटल में कैसे दिखता है ना, कोरोनरी में कैसे दिखता है, कौन सा पूरा आपको विद मैंने आपको एक्सरे दिखाया अभी था, ठीक है, पूरा का पूरा वही है। तो आपको वो लेक्चर भी रिवाइज करना बहुत जरूरी है, वो लेक्चर इसी से पूरा रिलेटेड है। प्लेन एक्सरे करवाते हैं सर्वाइकल स्पाइन का, उसमें आपको बियर एंड टियर देखने को मिल जाएगा, है ना, कंजनाइटल नैरोइंग और ये सब आपको देखना है तो किस में देखने को मिलेगा, एमआरआई में, क्योंकि अगर सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स देखने हैं तो आपको एमआरआई देखने को मिलेगा, ठीक है। डिस्क स्पेस एंड नैरोइंग, ऑस्टियोफाइट्स, प्रोट्रूजन, ये सब किसमें आपको एमआरआई में देखने को मिलेंगे, ठीक है। सबलक्सेशन भी देखते हैं, सबलक्सेशन का मतलब क्या होता है कि वैसे तो आपकी जो एमआरआई कराते हैं ना नेक की सर्वाइकल रीजन की, वो ऐसे कराते हैं बिल्कुल एकदम नेक सीधी, मगर ऐसे दोनों व्यू, तीनों व्यू में करानी चाहिए, स्ट्रेट में भी, फ्लेक्शन में भी और एक्सटेंशन में भी। बोले ये तीनों व्यू में क्यों करानी चाहिए, इन तीनों व्यू से क्या हो जाता है, इन तीनों व्यू से आपको नॉर्मल ये देखने को मिल जाता है कि जो जॉइंट्स हैं वो डिसलोकेट तो नहीं हो गया, क्योंकि जॉइंट भी तो मूवमेंट में हेल्प कराता है, अगर जॉइंट भी सबलक्सेशन हो रहा होगा, अलग अलग जा रहा होगा, तो आपको वो तभी देखने को मिलेगा जब आप फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में उस चीज को एमआरआई कराएंगे। तो एमआरआई आपको क्लियरली डेमोंस्ट्रेट कोर कंप्रेशन, है ना, डिस्क स्पेस वगैरह कम तो नहीं हो रहा है, एक्सियल व्यू शो कोर कंप्रेशन एंड द डिग्री ऑफ फोरामेन नैरोइंग। ऑस्टियोपाइट्स ओवर ग्रोथ कैन बी सीन इन सीटी स्कैन, ऑस्टियोपाइट्स आपको बता चुका हूँ एबनॉर्मल ग्रोथ है ना। फिर माइलोग्राफी, सीटी स्कैन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व रूट कंप्रेशन आपको देखने को मिलती है। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मैनेजमेंट में कंजर्वेटिव टेक्निक। कंजर्वेटिव क्या, ये बोलो फिजियोथेरेपी क्या, हमारी पूरी कंजर्वेटिव ही तो है, सर्जरी तो ना कराने को, ये सब हम ही तो कराते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइजेस करानी है ना। अगर पीआईबीटी वगैरह ऐसा कुछ हो रहा है डिस्क, तो क्या पूरा फ्लेक्शन बना कर दो, क्योंकि जितना आप आगे झुकोगे डिस्क और पीछे की तरफ उतरा ही जाएगी, तो आप पूरा का पूरा वो बना कर दो। ऑर्थो में इसका पूरा पर्टिकुलर ट्रीटमेंट, एक एक ट्रीटमेंट लिख के आना, न्यूरो सर्जरी में आपको ये ट्रीटमेंट नहीं लिख के आना, यहाँ पे सिर्फ एनाल्जेसिक और सर्वाइकल कॉलर वगैरह लिख के आना है। अगर ऑपरेशन करना पड़ रहा है तो ऑपरेशन कब करोगे, जब प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएट होगी, बहुत ज्यादा न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आते चले जा रहे हैं, या माइलोपैथी या रेडिकुलोपैथी, तब ऑपरेशन आप एक्सट्रीम कंडीशन में करते हो। इंट्रैक्ट या पेन बहुत ज्यादा है कि आप पेशेंट उसको कंजर्वेटिवली ठीक नहीं हो पा रहा, दो टेक्निक होती है, एक एंटीरियर कंप्रेशन होता है, एक पोस्टीरियर अप्रोच होता है। जब भी याद रखो इसका मतलब ये होता है कि ये आपकी रही डिस्क, ये आपकी बॉडी है, ये आपकी ट्रांसवर्स प्रोसेस या स्पाइनस प्रोसेस, ठीक है। जब भी बॉडी से रिलेटेड कोई भी सर्जरी हो उसको बोलते हैं एंटीरियर अप्रोच, और जब भी ट्रांसवर्स प्रोसेस इधर निकल आओ इससे भी रिलेटेड कोई सर्जरी होती है तो उसको बोलते हैं पोस्टीरियर अप्रोच, ठीक है। क्या मतलब कि एंटीरियर डिकम्प्रेशन क्या, और डिस्क किसके बीच में आएगी, डिस्क मुझे बताना, डिस्क बॉडी के बीच में तो रखी रहती है, तो जब भी डिस्क का कोई पार्ट निकाल दिया, डिस्क में कोई भी छिड़तानी करते हो तो उसको बोलते हैं एंटीरियर अप्रोच, ध्यान रखना, ठीक है। और पीछे की तरफ अगर लेमिना काट रहे हो, स्पाइनस प्रोसेस निकाल रहे हो, तो उन सबको बोलते हैं पोस्टीरियर अप्रोच। तो एंटीरियर अप्रोच एंड फ्यूजन का मतलब क्या, कि पर्टिकुलर जो डिस्क और बोन जो पीछे की तरफ निकल रही थी, अपन ने कभी देखा था ना डायग्राम जिसमें डिस्क पीछे निकल रही थी, उसको अलग कर देते हैं, उसको निकाल दो, क्योंकि वही तो स्पाइनल कॉर्ड से चिपक रही है, स्पाइनल कॉर्ड से चिपक रही है, तो उस डिस्क को बाहर निकाल दो। उसकी जगह पे दो चीजें करता है, या तो पर्टिकुलर जितना पार्ट बाहर निकल रहा है उतना निकाल दो, अगर लगता है डिस्क पूरी खराब हो गई तो फिर पूरी डिस्क निकाल देते हैं और उसके बदले में प्रोस्थेटिक डिस्क डाल देते हैं, नकली डिस्क डाल दी जाती है, ठीक है, क्यों, बिना डिस्क के तो आप रह नहीं सकते, नहीं तो मूवमेंट कैसे करोगे, ठीक है। प्लस बोन ग्राफ्ट वगैरह डाले जाते हैं कहां पर, जब वर्टीब्रास वगैरह जो बहुत ज्यादा टूट जाती हैं तो उनमें फिर वर्टीब्रास को भी चेंज करे जाते हैं। तो यानी जितनी ये सब चीजें होती हैं, क्या आपके पूरे पोस्टीरियर अप्रोच का मतलब क्या है, मैंने क्या बोला, आगे वाले हिस्से, पीछे वाले हिस्से के लिए पोस्टीरियर में क्या करेंगे, लेमिना आ गया वर्ड, क्योंकि बॉडी को छोड़ दो, लेमिनेक्टोमी, पर्टिकुलर जो स्पाइनल कॉर्ड के पीछे जो लेमिना होता है उसको काट दो, ये अपन पहले बहुत सारे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी सब जगह पढ़ के आ चुके हैं, लेमिनेक्टोमी 10 बार कम से कम लेमिनेक्टोमी पढ़ चुके हैं, जो उसके पीछे लेमिना होता है उसको काट दो तो स्पाइनल कैनाल को क्या हो जाएगा, जगह मिल जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड को जगह मिल जाएगी, तो लेमिनेक्टोमी कर सकते हो, या फोरमेनेक्टोमी। फोरमेनेक्टोमी का मतलब क्या होता है, द नर्व रूट एट वन और मोर लेवल्स में बी डिकम्प्रेस्ड बाय ड्रिलिंग अवे ओवरलाइंग बोन, यानी पर्टिकुलर जो फोरामेन है, जो फोरामेन जिससे स्पाइनल कॉर्ड निकल रही है उसके आसपास क्या जगह भरी, जगह ड्रिल करके उसके आसपास जगह को बड़ी कर देते हैं, जो आसपास उसके बोन है उन्हें काट के अलग कर देते हैं, जिससे क्या स्पाइनल कॉर्ड को जगह मिल जाए। क्योंकि हमारा मेन गोल सिर्फ एक ही है, क्या,
स्पाइनल कॉर्ड दब रही है उसको कैसे भी रिलीज करो, वो दबनी नहीं चाहिए। ठीक है, सर्वाइकल डिस्क प्रोलैप्स का मतलब क्या है? इन कॉन्ट्रास्ट टू सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिसिस, सर्वाइकल सॉफ्ट डिस्क प्रोट्रूजन इज अनकॉमन। ये बात याद रखना, आपको सर्वाइकल रीजन में इतनी ज्यादा डिस्क बाहर निकली हुई के केस नहीं मिलेंगे, बिल्कुल केस नहीं मिलेंगे, बहुत कम केस मिलेंगे आपको जो सर्वाइ जो आपको बोलेंगे कि सर्वाइकल डिस्क में, सर्वाइकल रीजन में आपको स्पॉन्डिलोलिसिस देखने को मिलेगा वियर एंड टियर, मगर डिस्क बाहर निकला ये केसेस बहुत कम होते हैं। क्यों कम होते हैं? क्योंकि उनकी डिस्क का साइज बहुत छोटा होता है, लंबर रीजन में डिस्क बहुत बड़ी बड़ी होती है, इसलिए वो इजिली निकल भी जाती है, और सतरा मोबिलिटी भी लंबर रीजन पे होती है। सर्वाइकल रीजन में क्या इतनी मोबिलिटी होती है? नहीं, मैक्सिमम मोबिलिटी होती है लंबर रीजन में। तो जितनी ज्यादा मोबिलिटी होगी, अपन एक फिनोमेना पढ़ के आ गए हो क्या, मोर मोबिलिटी लेस स्टेबिलिटी, मोर स्टेबिलिटी लेस मोबिलिटी, जितनी ज्यादा चीजें स्टेबल होंगी वो उतना ही कम मोबिलिटी होगी, और जितनी ज्यादा मोबिलिटी होगी उतना ही कम स्टेबल होंगी। तो सर्वाइकल रीजन में मोबिलिटी ज्यादा नहीं होती, इसलिए उनके अंदर स्टेबिलिटी बहुत होती है, तो डिस्क इतनी जल्दी बाहर उनमें से नहीं निकलती, मगर लंबर रीजन में मोबिलिटी ज्यादा होती है इसलिए स्टेबिलिटी कम होती है और इजिली बाहर निकल जाती है। तो इन कॉन्ट्रास्ट टू सर्वाइकल स्पॉन्डिलिस, सर्वाइकल सॉफ्ट डिस्क प्रोट्रूजन इज अनकॉमन। या आपको सर्वाइकल वियर एंड टियर देखने को मिल जाएगा सर्वाइकल रीजन में डिस्क में, मगर उसका बाहर निकलना ये बहुत अनकॉमन होता है, ऐसा नहीं होता नहीं है, होता है मगर अनकॉमन होता है। दिस अकर्स इन यंग, हाँ यंग पेशेंट में देखने को मिल सकता है जब कोई एक्सीडेंट हो जाए, सडन ट्विस्ट हो जाए या इंजरी हो जाए, और जो जनरली अगर आपको देखने को मिलता भी है कि डिस्क प्रोट्रूड हो रहा है तो वो सबसे मोस्ट कॉमन नहीं देखने को मिलता है C5, C6 और C6C11 पर। कौन से रीजन पे? C5, C6 से C6C11, क्योंकि अभी सिर्फ सर्वाइकल की बात कर रहे हैं। डिस्क दो तरीके से बाहर निकलती है, क्या कि या तो वो डिस्क देखो खुद ही, मैं देखो ये देखो मैं इधर ही इसमें दिखाता हूँ, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड रन कर रही है, ठीक है, ये पीछे डिस्क रखी हुई है। अब डिस्क दो तरीके, या तो एकदम सीधी पोस्टीरियो पीछे की तरफ तो जानी है ना, क्योंकि देखो ये आपकी बॉडी है इसके बीच में ये डिस्क है, तो डिस्क क्या होगी, चलो ये वाले हाथ से बना लो तो ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है, ये वाला हिस्सा है, ये आगे है। अब डिस्क क्या करेगी, पीछे की तरफ जाएगी तो स्पाइनल कॉर्ड को दबाएगी, आगे क्या है, आगे आगे है वर्टिब्रा की बॉडी, वर्टिब्रा की बॉडी, बॉडी के बीच में डिस्क रखी हुई है, डिस्क के पीछे स्पाइनल कॉर्ड रन कर रही है, फिर इधर स्पाइनस प्रोसेस है जो आपको फील हो रही है, टच करके देखो। अब क्या होता है, दो रीजन होते हैं, या तो स्पाइन जो डिस्क निकल रही है वो बिल्कुल सीधी आकर बिल्कुल सीधी, इसको बोलते हैं पोस्टीरियो, पीछे तो जानी ही जानी, पोस्टीरियो वर्ड तो आएगा ही, एक होता है पोस्टीरियो सेंट्रली, यानी बिल्कुल सीधी आके स्पाइनल कॉर्ड को दबा दे, या स्पाइनल कॉर्ड को दबा दे या पर्टिकुलर कोई नर्व को दबा दे एक, या फिर होती है कि वो सीधी आती आती हल्की सी टेढ़ी हो जाए, उसको बोलते हैं लेटरली, चाहे इधर टेढ़ी हो जाए चाहे इधर हो जाए, दोनों तरफ उसके लिए तो लेटरली हुआ ना, तो क्या मैं इसको पोस्टीरियो मीडियली बोल लो या सेंट्रली बोल लो, और इसको इसको बोलते हैं थोड़ी सी टेढ़ी हो गई तो पोस्टीरियो लेटरली, क्या कोई अंतर रहा, सीधी आई तो पोस्टीरियो मीडियली या सेंट्रली, और थोड़ी सी टेढ़ी हो गई तो पोस्टीरियो लेटरली, चाहे इस साइड टेढ़ी हो जाए चाहे इस साइड टेढ़ी हो जाए, किधर भी टेढ़ी हो जाए, अब ये मेरी है, अब ये डिस्क आ रही, चाहे वो हल्की सी इधर हो जाए चाहे इधर हो जाए, दोनों उसके लिए लेटरली तो हुए, अगर एकदम सीधी आई तो उसको पोस्टीरियो सेंट्रली, और अगर हल्का सा इधर और इधर हो गई तो पोस्टीरियो लेटरली, ठीक है, इसको पोस्टीरियो सेंट्रली बोल लो या मीडियली बोल लो, इसको पोस्टीरियो लेटरली बोलते हैं। मोस्ट कॉमन जो होता है वो पोस्टीरियो लेटरली होता है, सेंट्रली इतना कॉमन नहीं, सीधी नहीं जाती, हल्का सा मुड़ी जाती है डिस्क, ठीक है, क्यों, क्योंकि सेंट्रली जाने के लिए प्योर पूरी डिस्क को बाहर आना पड़ता है, पूरी डिस्क को, तब वो सीधी आ पाएगी, लेकिन प्योर डिस्क आना उतना पॉसिबल नहीं होता, डिस्क भी अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, तो डिस्क का जनरली कुछ पार्ट ही आता है, थोड़ा बहुत पार्ट, तो वो थोड़ा बहुत पार्ट क्या है, थोड़ा कहीं साइड से निकल जाता है, तो इसलिए पोस्टीरियो लेटरली ज्यादा कॉमन है पोस्टीरियो सेंट्रली के कंपेयर में, ठीक है, पोस्टीरियो मीडियली या सेंट्रली, कोई पूछे तो याद रखना है क्या कि प्योर डिस्क बल्ज होना इतना कॉमन नहीं होता, इसलिए प्योर नहीं हो पाती, थोड़ा सा टिल्ट होके आती है, ठीक है, इसलिए यहां पर लिखा है अकर्स पोस्टीरियो लेटरली, ठीक है, याद रखना दो वर्ड हमेशा देखने को मिलेंगे, पोस्टीरियो लेटरली और पोस्टीरियो सेंट्रली या मीडियली, एक ही बात है। रेडिकुलोपैथी रेदर देन माइलोपैथी, रेडिकुलोपैथी तो वैसे ही आपको सब जगह ज्यादा देखने को मिलनी है, मैं पहले बोल चुका हूं माइलोपैथी इतना कॉमन नहीं होता, क्योंकि पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड दबाना मजाक नहीं है। ऑपरेटिव रिमूवल थ्रो एन एंटीरियर अप्रोच, क्या कर सकते हो, एंटीरियर अप्रोच में बता चुका हूं कि पूरी जो डिस्क दबा रही है उस डिस्क के हिस्से को काट दो,
और ये डिस्क है ना, इतने हिस्से को काट देते हैं, सिर्फ ये जो हिस्सा दबा रहा है इसको क्या एंटीरियर अप्रोच बोलते हैं, क्योंकि मैंने बोला स्पाइनल कॉर्ड के जैसे इस साइड आ गए तो उसको पोस्टीरियर अप्रोच बोलते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड की अगर इधर से कर रहे हैं आगे की तरफ से तो इसे एंटीरियर अप्रोच बोलते हैं। तो डिस्क एंटीरियर अप्रोच में आता है, याद रखना है, ठीक है। अगर पर्टिकुलर सिर्फ या दो काम हो सकता है, या तो इसको बोलते हैं माइक्रो डिसेक्टोमी, माइक्रो छोटा सा पार्ट निकाल रहे हो डिसेक्टोमी, और अगर आपको लगता है कि पूरी की पूरी डिस्क ही बाहर आ गई, पूरी डिस्क बाहर आ गई, तो फिर पूरी डिस्क निकाल के उसकी जगह प्रोस्थेटिक डिस्क या दूसरी नकली डिस्क डाल देते हैं, ठीक है। इसको एंटीरियर अप्रोच बोलते हैं, मे बी रिक्वायर्ड फॉर इंट्रैक्टेबल पेन और न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंसी, ठीक है।